आप लोगों ने मेरी मेहंदी देखी कल? मुझे मेहंदी लगी है। अच्छी कैसी? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज व्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि मैं थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस के लिए। लेट क्या हो गया था, मतलब मुझे आज जल्दी जाना था उस चक्कर से, और इस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी मैं उठा, नाश्ता किया और गाड़ी में आके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं दिखा पाया। सी अभी टाइम हुआ 8:18 और मुझे 8:20 पे ब्रांच पहुँचना था, कुछ हैंडओवर होना है और फिर मुझे दूसरी ब्रांच जाना होगा शायद आज डेप्यूटेशन पे। उस चक्कर में थोड़ी भगदड़ है, बाकी ब्रांच जाते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी भाग सकते हैं वहाँ से कितनी जल्दी, क्योंकि पहले अपनी ब्रांच में हैंडओवर लेना है, फिर वहाँ जाके हैंडओवर लेना है दूसरी ब्रांच में। सीरकपुर जा रहा हूँ आज, और एक थोड़ा सा ये भी है कि फिर शाम को फिर से वहां पे हैंडओवर देके यहाँ पे हैंडओवर लेना है, क्योंकि कल मेरे अरे कहना क्या चाहते हो है अभी सुबह का टाइम। तो सो सॉरी, मैं ब्लॉग थोड़ा अभी सीधा गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से पहुंचता हूँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में जब मैं दोबारा ब्रांच से निकलूंगा, फिर आप लोगों से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑफिस जाके थोड़ा बिजी बिजी रहेगा, मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा। और वैसे भी ऑफिस में तो प्लान बनाता ही नहीं, मैं बना क्या नहीं पाऊंगा, बनाता ही नहीं। ठीक है जी, तो चलो फटाफट से मिलते हैं दोबारा जब फ्री होता हूँ, ब्रांच से निकलता हूँ। ठीक है गाइज, अभी अभी मेरे ब्रांच हेड का कॉल आया था, ही सेड के अब डायरेक्टली वो जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है हैंडओवर लेने। तो सुबह की तो भगदड़ थी, वो पड़ हो गया, हम सुबह रेडी हो गया। एक मेरी टेलर है, वो बेचारी अम्बाला से आती है, वो सुबह 7:30 बजे से बस में बैठी हुई है, तो उसके लिए उसके साथ भी पॉपट हो गया, मेरे साथ भी पॉपट हो गया, उसके साथ तो बहुत अजीब हो गया, 7:30 बजे से बैठी बेचारी। चलो मैं फटाफट से ब्रांच पहुंचता हूँ, उसको ब्रांच के अंदर बिठाते हैं, क्योंकि वो बाहर खड़ी होगी नहीं, तो देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से मिलते हैं फिर ब्रांच में जाके, अब तो बहुत टाइम काम है। तो गाइस, दिस इज टुडेज इवनिंग स्नैक्स, पनीर पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, समोसा, रेड चटनी विद टी, मट्टी एंड ये करवा चौथ वाली मट्टी हमें आज मिली है, हमारी फेवरेट मट्टी है, हम अचार के साथ खाते हैं इसको सभी, ढेर सारी मंगाई है। ये रहा अचार, इसका कंपेनियन। ओके, सो हूसोएवर वाना कम प्लीज कम, वेलकम। सो गाइस, टुडे वी आर हैविंग कौन से चावल है, ये सोयाबीन चावल, सोयाबीन आलू प्याज पुलाव विद सैलेड, ग्रीन सैलेड। सो गाइस, तो अभी का सीन ये कि हमने खाना खा लिया और मैं आया था, पहले वो चाय वगैरह पी थी, मैंने देखा था, फिर हमने खाना खाया, हमने आज खाया वो पुलाव जो आपने अभी देखा, और अब लगे हैं सोने। आज का व्लॉग ज़्यादा नहीं बन पाया, आज तो बिल्कुल छोटा सा व्लॉग होगा मेरा, क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला मुझे सारा दिन बात बात करने का। एक महीना ब्रांच में सिस्टम नहीं चल रहा, फिर ब्रांच हेड नहीं थे, मैं अकेला था और आज स्टाफ ही थोड़ा कम था, तो इसलिए थोड़ा हैक्टिक ही रहा, मतलब बिजी बिजी सा रहा सारा दिन, ज़्यादा टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात बात करने का कुछ याद खास, और रास्ते में भी नहीं बना पाया मैं, क्योंकि बस तो ट्रैफिक वगैरह भी था, छोटे मोटे काम थे, तो इसलिए मैं रास्ते में भी नहीं बना पाया आज ब्लॉग, अदरवाइज मैं आते जाते तो बात कर लेता हूँ। मॉर्निंग में बना था, शाम को बिल्कुल नहीं बन पाया। इस पे हम प्रॉपर वर्क करेंगे, आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम निकालेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। फिलहाल इसी थॉट के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, तो है। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग में विद ऑल पॉजिटिविटी। ओके, सो गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अरे बाय बाय करते करते याद आया, आप लोगों ने मेरी मेहंदी देखी कल? मुझे मेहंदी लगी है, आई थिंक ऐसी सीधी लग रही होगी, ये ए और एस है। चलो अब बाय बाय।